पहली बार हम दोनों एक दूसरे के गुरु बने हैं। आज मेरा गुरु बनने जा रहा है वन एंड ओनली मनीष पॉल, इससे मैं होस्टिंग सीखूंगा और मैं इसको सिंगिंग सिखाऊंगा। बिल्कुल, ये मैंने आज सोचा है इनसे मैं सिंगिंग सीख के जाऊंगा और इकट्ठे होस्टिंग करें, खूब मजा आने वाला है यार। बड़ा कुछ प्लान है, काफी सारी बातें हैं जो मीका बाजी और मैं कर रहे हैं। दोनों पंजाबी हैं तो आई थिंक दोनों एमएमए पंजाबी हैं और एक अच्छा कनेक्शन है। और एक बात बता दूं, पाजी का बहुत कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है, सो आई थिंक वो चीजें हम बड़ी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी जहां भी मैं फंसूंगा, मैंने पहले बोला कि भाई मैं तुझे बोलूंगा भाई बस। मैं यहां क्योंकि मैं तो संगीत का प्रेमी हूं और जीमा आवाज जो है वो संगीत प्रेमियों के लिए है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ एक प्रेमी की तरह, मतलब एक फ़ैन हूँ संगीतकार। जितने भी हिंदुस्तान के बॉलीवुड फिल्मों जो फिल्म बनाते हैं तो गायक हैं, संगीतकार हैं, मैंने सुना है रहमान साहब यहाँ हैं, तो मैं बड़े उन्हें उनसे मिलना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, इट वॉज़ वेरी जो जो मैंने सोचा था, जो जो के जो जो कलाकार हैं जिनको मिला है, देर वॉज़ नो सरप्राइजेज, इट वॉज़ ऑल आई थिंक वेल डिजर्व ऑस्कर्स फॉर ऑल द। थोड़ा सा बुरा लगा, मगर काम तो जो है अपना कभी कभी होता ना कि काश हमारे जो यू नो जो बर्डमैन के जो कलाकार थे, अगर उनको मिलता तो जो मिलता तो शायद मुझे खुशी होती। आई डोंट थिंक क्लासिकल गाने, आई थिंक पुराने गानों को नए तरीके से पेश किया जा रहा है, दैट्स ऑलवेज हैपन लाइक रीमिक्सेस, दैट्स ऑलवेज पॉपुलर। मेरे इतने रीमिक्सेस हिट हो चुके हैं, पिछले साल भी हंगामा हो गया, वो सच अ बिग हिट। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू द सॉन्ग और आप ज़्यादा उसको ख़राब नहीं करते, इट्स फाइन। आज की शाम जो है मैं प्रॉब्ली परफॉर्म करूँगा सब लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए परफॉर्म करूँगा। प्रॉब्ली वो पहली दफ़ा देखेंगे मेरी परफॉर्मेंस स्टेज पे, जीमा की स्टेज पे, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस बिग फैन मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जहन में आते हैं वो यही आते हैं कि लोग पोस्टर्स और यू नो इतना ज़्यादा वक्त निकाल के सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं और यू नो उनको जब जवाब मिलता है तो उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाता है। जैसे कि मेरे लिए, अगर मैं किसी आर्टिस्ट को पसंद करता हूँ, उसने मेरे से बात की एक दफ़ा तो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको जवाब दे सकूँ इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे। सो यू नो वो सब लोग जो कॉन्सर्ट पे आते हैं, जो मेरा म्यूजिक सुनते हैं, दे आर यू नो आई रियली अप्रिशिएट दैट। जी बहुत बहुत खुशी थी, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया जब, बिकॉज बच्चन साहब आए थे लेकिन वो ऑडियंस में बैठे नहीं थे, आई थिंक वो बिजी रहे होंगे तो शायद लास्ट मिनट आए वो, तो मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो आए भी हैं अवार्ड में। सो व्हेन ही वॉक्ड ऑन स्टेज आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज He's probably the finest actor we've had in this country, और उनसे अपना best actor award मिलना was very 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 special. As special as getting the award was to get it from him. I find all the moments very special. बहुत मुश्किल होता है एक moment define कर पाना। कुछ moments डरावने भी होते हैं, लेकिन I mean all the moments are special. हमेशा जब when you meet people who like your work, who love your work, because they're always ready to forgive you. आई थिंक रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो अच्छी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यार होता है। तो जब आप लोगों का प्यार आपको मिलता है तो वो आपको माफ़ भी कर देते हैं, आप माफ़ी हमेशा प्यार में ही करते हैं। तो आई होप दे कंटिन्यू फॉरगिविंग मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स, बट ऑल दोज मोमेंट्स आर स्पेशल। Yeah, as we all know, it's GIMA, Global Indian Music Academy Awards, and it's I think it's a great, great platform and definitive platform in which they honor the talent of Indian music. I'm really looking forward to the award ceremony. Nominated hai, lekin hum enjoy karne aaye hain. Award to jeet chuke hain, aap logon ne hamare beed aur chittiyan khilaiyan ko itna pyar diya hai, wo award hota hai hamare liye. ये तो मस्ती अपने पूरी म्यूजिक फेडरनिटी है, उनसे मुलाकात हो जाती है, आपसे मुलाकात हो जाती है, तो इसलिए हम लोग आते हैं अवार्ड्स में और हमारे कुमार पाजी साथ में, तो जो बहुत कम दिखते हैं अवार्ड्स में, लेकिन आज पकड़ कर लेके आए हैं पूरे साल सारे गाने इनके लोग सुनते हैं, डांस करते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं और ये आते नहीं अवार्ड्स में। कहा नहीं चलो सर अवार्ड में चलो, क्योंकि हम एक्चुअली जानते हैं कि हमारे हमें जो आज अवार्ड मिल रहा है वो एक कुमार पाजी का साथ है, तो आज अवार्ड मिल रहा है और ये आते नहीं है, ये बहुत लो प्रोफाइल है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि इसके बाद हाई प्रोफाइल हूं मैं।